से आप सभी आई होप अच्छे होंगे। चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये DSSB की वीडियो आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए। दोस्तों एग्ज़ाम अभी आने ही वाला आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन करेंगे हम इस सीरीज़ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो ये वर्ड दिए हुए इनका अल्टरनेटिव बताना। जैसे सूप का जो संबंध क्लीनिंग से है, वैसे ही चेयर का संबंध किससे होगा। जो सूप है वो मीन्स हैंड वॉश करते हैं तो क्लीनिंग होती है, तो ऐसे ही चेयर बैठने के लिए काम आती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ओड वन बताना है कि ओड वन कौन सा है। तो ये कुछ अल्फाबेट है, आप इनकी रैंकिंग को याद कर लीजिए कि ये किस पैलेस पे आते हैं। जैसे जे है वो 10 पे आता है, टी है वो 20 पे आता है, वाई है वो 25 पे आता है। तो इनकी रैंकिंग अगर आपको याद हो जाएगी तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी इस क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं होगी। जैसे फर्स्ट है ऑप्शन IKM, नेक्स्ट है OQS, GEC, UWY। अब इसमें कुछ पास पास लग रहे होंगे आपको अल्फाबेट, तो आपको इनकी नंबरिंग कर लेनी चाहिए। जैसे I9 पे आता है, K11 पे आता है, तो इनमें आप देख रहे होंगे कि दो दो का गैप है, सभी में दो दो का गैप है। GEC ऐसा है जिसमें ओड वन की प्रॉब्लम आ रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सीरीज दी हुई है आपको, ये इसमें आपको बताना है कि कौन सा ए सीरीज इज गिवन विद वन नंबर मिसिंग। एक नंबर है जो वो मिसिंग है। आपको इसमें कॉमन डिफरेंस छांटना है कि क्या प्रॉपर सीक्वेंस इसका बन सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों ये इसमें -1.5 का डिफरेंस है। ओ सॉरी, -1.5 तो इसका आंसर है दोस्तों, इसमें 2.5 का डिफरेंस है। हम 8.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर हो जाएगा -1.5। -1.5 में अगर आप 2.5 प्लस करेंगे तो आपका -4 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश बाय 3 शर्ट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ रुपीज इतना। इफ ही बाय 2 मोर शर्ट एट एवरेज प्राइस ऑफ इतना, व्हाट विल बी द एवरेज एवरेज प्राइस इन रुपीज ऑफ ऑल द 5 शर्ट इज। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ही गेट 67 एंड फेल बाय 13 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। उसके मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं दोस्तों, वो 40% जो मार्क्स है उससे तो वो पास हो रहा है। जब भी हम पास फेल का निकालेंगे तो पास को हमेशा माइनस करते हैं और जो फेल मार्क्स है उनको प्लस करते हैं, तो उसको वो 67 मिले और वो फेल कितने से हुआ, 13 से। तो 67 + 30 हम इसको प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस करके हमारा हो जाएगा 80। और उसके मैक्सिमम मार्क पूछे हैं कितने हैं, तो 40% की वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी। आपको देखना होगा कि 40 80 के कितना टाइम है, तो 2 टाइम है 80। 40 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि 40% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू आपको 200 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन पेंट ए हाउस इन 55 डेज एंड बी कैन डू इट 66। एक घर है उसमें पेंट करने के लिए ए को तो 55 दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 66। अलोंग विद अगर सी के साथ भी करें तो वो अपनी जो काम है वो 12 दिन में
सिर्फ 12 ही दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों आपको इसमें ये करना है कि पहले ए बी सी तीनों का आपको टोटल वर्क निकालना है, फिर ए और बी का आपको निकाल के तो सी में से माइनस कर देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20, टोटल वर्क निकाल के और सी सी का वर्क निकल जाएगा फिर उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज अ बुक रिटन बाय, ये बुक रिटन की थी ऑन सैन सू कई ने, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द ऑर्गेन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, ऑर्गेन डोनेशन डे हर साल किस दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये किया जाता है 13 अगस्त को, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेक यानी कि झील कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेकाल झील। बेकाल झील है वो ओल्डेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और इस पे आप पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट साइबेरिया में, फ्रेश वाटर की लेक है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग्भ्रम उदाहरण हो जाएगा आपका व्यंजन सद्धि का, आप इसको एक तोड़ के देखिए, दिक् प्लस भ्रम क प्लस भय आ रहा है, तो दोनों व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं, जब भी व्यंजन के साथ व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो वहां पर ये वाला विकार उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे व्यंजन संधि आ जाएगी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी शब्द में समास है, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमारे सारे कारक आते हैं जितने भी, से को में पर के लिए या को, जैसे ही भी इसमें आया ना गगन को यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें ये त्रुटि छाटनी है, अगर आपकी कोई त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या रहेगा इसका आंसर, वास्तविकता यह है कि यदि व्यक्ति बदलेगा तो व्यवस्था स्वयं बदल जाएगी, दोस्तों स्वयं नहीं बदलती, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वत, स्वत लगा के विसर्ग, देख रहे होगे आप ये स्क्रीन पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है ये, और स्कूल्स फैसिलिटी फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट सेक्रीफाई हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट टेम्परली हैप्पी, एर नो एरर, मेरे को तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, तो राइट आंसर है इसका डी, बिल्कुल आर्टिकल की जगह आर्टिकल है, नाउन की जगह नाउन है, और बिल्कुल सिक्वेंस में है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूरी सिक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक्सेसिवली लेंथी स्पीच, इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज, फ्रेज पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वर्बेज। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड आर गिवन आउट, तो विच वन वर्ड इज करेक्टली, कौन सी स्पेलिंग इसमें से करेक्ट लग रही है आपको, मेरे को तो ए भी नहीं लग रही, बी भी नहीं लग रही, सी थोड़ी बहुत लग रही है, डी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, कैसे लगे दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वो जो एक क्वेश्चन था वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है।